दोस्तों आप लोगों ने कभी एक चीज नोटिस की है क्या? हाँ की तो जरूर होगी। KTM की जो बाइक होती है वो थोड़ी सी ज्यादा कॉस्टली होती है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। इसका रीजन क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा मेन कारण है जिस वजह से KTM की बाइक जो है इतनी ज्यादा महंगी है? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर रीजन वो आपको बताने वाला हूँ, प्लस वाई लोगों ने इसे छपरी के नाम से फेमस कर रखा है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो भाई इंटरेस्टिंग होने वाली है KTM लवर्स के लिए, देखना जरूर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि KTM की बाइक छपरी के नाम से क्यों फेमस है। देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि KTM को छपरी कौन बोलता है। KTM को वही लोग छपरी बोलते हैं जो 100cc स्प्लेंडर चलाते हैं, है ना, 100cc स्प्लेंडर चलाने वाले और एक तो होंडा की एक्टिवा चलाने वाले। तो भैया वो लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि कृपया करके ज्ञान ना पेले, क्योंकि अपनी बाइक में जो आपकी बाइक पे जो टेक्नोलॉजी है ना वो KTM के कंपैरिजन में 10% भी नहीं है। ठीक है, जो आप लोग इंस्टा में कमेंट करते रहते हो, यूट्यूब में कमेंट करते रहते हो छपरी 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 छपरी, मेरे भाई एक बात बताओ, KTM की टेक्नोलॉजी पता है? बाइक के बारे में 1% नॉलेज है? अगर 1% भी नॉलेज होगा ना बाइक के बारे में तो कभी आप किसी खासकर KTM की बाइक को कभी छपरी नहीं बोलोगे, क्योंकि KTM बाइक में इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो भैया ज्ञान पहनना बंद कर दो, सीधे से बोलो कि तुम खरीद नहीं सकते। ऑब्वियसली बात है भाई, मैंने देखा है, दुनिया देखी कि जो लोग जिस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग उस चीज़ को गाली बकते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई बाइक हो, चाहे वो आईफोन हो। आईफोन को भी लोग इसी नाम से गाली बकते हैं क्योंकि वो खरीद नहीं सकते। ये रियलिटी है, चीज़ को कोई नहीं बदल सकता। भले आप मेरी बात से कमेंट करोगे फलाना ढिकाना, भाई मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता है मुझे यहाँ पे सही हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी कोई बाइक छपरी नहीं होती, हमेशा उसको चलाने वाला इंसान छपरी होता है। तो पहले ये तो क्लियर कर लो, ठीक है। बाकी ये चीज़ क्लियर हो गई, किसी को बुरा लगा होगा तो भाई अपने पास रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, KTM की ड्यूक 200 या KTM की कोई बाइक इतनी ज़्यादा कॉस्टली क्यों होती है, ऐसा कौन से रीज़न हो सकते हैं? ठीक है, इसमें बहुत सारे रीज़न है, जो मेजर रीज़न है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ड्यूक 200 का कॉस्टली होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई इस बाइक में आपको जो इंजन मिलता है वो DOAC यानी कि डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन मिलता है। अब मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि इंडियन मार्केट में कोई भी ऐसी बाइक नहीं आती इस सेगमेंट में जिसमें आपको DOAC यानी कि डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन मिले। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि KTM महंगी है। देखिए DOAC इंजन के फायदे बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है दोस्तों कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सिंगल ओवरहेड होना और डुअल ओवरहेड होना के काफ़ी एडवांटेज आते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज तो KTM को कोई बीट नहीं कर सकता, तो इस मामले में इस ड्यूक बहुत अच्छी है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि KTM की जो बाइक होती है इनमें आप लोगों को जो इंजन की क्वालिटी मिलेगी वो भी आपको काफ़ी बेहतर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक। तो ये भी एक आपको बहुत बड़ा जो एडवांटेज है KTM की बाइक्स में देखने को मिल जाएगा, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, बात कर ले दोस्तों नेक्स्ट रीज़न के बारे में कि कौन सा रीज़न है जिस वजह से KTM ड्यूक महंगी है। वह दोस्तों इस बाइक में डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम। देखिए आपको पता है कि ड्यूक 200 डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में आती है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि KTM की ड्यूक थोड़ी सी महंगी है। आपको क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें आपको ये तो डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम तो मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ में दोस्तों बाइक में आप लोगों को पता ही होगा कि भाई इस बाइक में आपको 4 पिस्टन कैलिपर्स भी मिलते हैं फ्रंट में। अब 4 पिस्टन कैलिपर्स होने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि इस बाइक की जो भाई ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है उसमें ना 4 चांद लग जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि ड्यूक 200 थोड़ी सी महंगी। आप देख लीजिए आज भी आपको NS में डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम कंपनी ने नहीं दी, और MT में यामा वालों ने दे दी तो प्राइस भी 2 लाख प्लस कर दी। तो भाई ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ड्यूक 200 का थोड़ा कॉस्टली होने का। बात कर ले दोस्तों नेक्स्ट रीज़न के बारे में कि और कौन सा रीज़न हो सकता है ड्यूक 200 के महंगा होने का, वो है दोस्तों इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी। भाई R5 MT15 इनकी बाइक बहुत अच्छी है, नो डाउट यामा इज़ गुड बाइक, भाई जापानीज टेक्नोलॉजी है। बट अगर जब बात आती है बिल्ड क्वालिटी की तो मुझे लगता है दोस्तों बिल्ड क्वालिटी में ना यामा कुछ भी नहीं है ड्यूक के सामने। आप ये अपनी R5 की मतलब बिल्ड प्लास्टिक क्वालिटी देखना, फाइबर क्वालिटी, और अब KTM की फाइबर क्वालिटी देखना, भाई इसमें ना आपको जमीन आसमान का जो फर्क है वो देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ड्यूक 200 थोड़ी सी कॉस्टली है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोस्तों इस बाइक में आपको बहुत बेटर बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट रीज़न है इस बाइक के टायर। आप चाहे यामा की MT15 ले लीजिए, RS200 ले लीजिए, NS200 ले लीजिए, इवन बजाज की डोमिनार 250 ले लीजिए, उनमें आपको जो टायर मिलेंगे उतने वाइड टायर नहीं मिलते जितने वाइड टायर आपको अपनी KTM की ड्यूक 200 में देखने को मिलेगा। तो ड्यूक 200 के जो टायर है वो भी आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर। बात कर ले नेक्स्ट रीजन के बारे में कि और कौन सा रीजन है जिस वजह से अपनी जो ड्यूक है वो थोड़ी सी महंगी है, वो है दोस्तों इस बाइक के सस्पेंशन।
आपको ड्यूक 200 में जो सस्पेंशन मिलते हैं वो आपको पता है कि USD Fox सस्पेंशन मिलते हैं। आई नो मैं जानता हूँ और भी ऐसे बाइक है जिसमें आप लोगों को USD Fox सस्पेंशन मिलते हैं, बट ड्यूक 200 का जो सस्पेंशन साइज है वो सबसे ज़्यादा बेटर है। इसमें आपको 43mm के अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलते हैं और 43mm जो आपको किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों कि ड्यूक 200 में आपको ज़्यादा बेटर सस्पेंशन देखने को मिलता है। एक और बहुत बड़ा रीज़न है वो इस बाइक की पावर। KTM ड्यूक 200 में आपको जितनी पावर देखने को मिलती है किसी और 200 सेगमेंट की बाइक में आपको इतनी पावर देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं 110% श्योर हूँ। ड्यूक 200 25 PS के आसपास की पावर जनरेट करती है, जो कि आपको बता दूँ ड्यूक 200 के अलावा इंडियन मार्केट में कोई ऐसी बाइक नहीं है जो इतना पावर जनरेट करती हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस रीज़न से आप ड्यूक 200 को ले सकते हो और जान सकते हो कि बाइक महंगी है। तो ये कुछ रीजंस है जिस वजह से KTM ड्यूक 200 थोड़ी सी महंगी है। बाकी आप लोग कमेंट करना कि आपको ड्यूक 200 कैसे लगती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।